भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास है और गौरव का है, क्योंकि भारतीय टीम ने 2024 T20 विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम ने हर क्षेत्र में उत्कृष्ट खेल दिखाया। बल्लेबाजों ने शानदार रन बनाए और गेंदबाजों ने भी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका की टीम को मात दी। भारतीय टीम की जीत में अन्य खिलाड़ियों का भी विशेष योगदान रहा, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से मैच का रुख पलट दिया। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन फॉर्म में रहे और फाइनल मैच में भी उन्होंने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। देश भर में क्रिकेट प्रेमियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं और हर ओर भारत माता की जयकार सुनाई दे रही है। इस जीत ने देश को गर्व से भर दिया है और भारतीय क्रिकेट टीम ने यह साबित कर दिया है कि वे विश्व की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक हैं। भारतीय टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे। एक के बाद एक विजय की इस परंपरा ने आपके हौसले को तो बुलंद कर दिया, लेकिन इस पूरी टूर्नामेंट को भी रसप्रद बना दिया, रोचक बना दिया। आपने शानदार विजय प्राप्त की है। मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Yeah!
आया दो फाइटर। सेलिब्रेशन करांगे, पटाखे पटुके चलेंगे, भोला जीत के, बहुत बढ़िया एंजॉय करांगे जी। हां जी बहुत मजा आया जी, मैच इंटरेस्टिंग मैच हुआ, इंडिया जीत की, बहुत बढ़िया, दिल खुश करता जी। मैच बड़ा इंटरेस्टिंग बनया, कदे लग रहा से अफ्रीका जीतू कदे इंडिया, पर लास्ट से इंडिया जीत की, बहुत मजा आ रहा। मैच दोनों बराबर है, कदे हार कदे जीत, पर लास्ट इंडिया जीत की। ये फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा।